प्यारी आत्माओं, आज हम भगवद गीता के अध्याय 3 का सारांश सीखेंगे। अध्याय 3 में भगवान कृष्ण 8 विषय बताते हैं। तो अर्जुन पूछते हैं श्लोक 1 से लेकर 4 में कि यदि बुद्धि कर्म से बेहतर है तो लड़ने की क्या आवश्यकता है। तो जवाब में भगवान कृष्ण श्लोक 5 से लेकर 9 तक हमें समझाते हैं कि ये जो हमारी इंद्रियां हैं ये कभी कभी असहाय हो जाते हैं और काम करने लगते हैं, और हमारे जो ये इंद्रियां हैं ये मजबूर होकर काम करने लगते हैं, इससे तरह तरह के अनर्थ हो जाते हैं। हमारी जो मन है इंद्रियों की वस्तुओं में बसती है। तो मान लीजिए आपके आंख है, आंख देख रहे हैं किसी आईपैड को और उससे प्यार हो जाता है, मुझे भी एक आईपैड चाहिए। इस तरह से हमारी जो मन है इंद्रियों की वस्तुओं से प्रेम में लग जाती है और उन पर बसने लगती है। तो भगवान ये सिखाते हैं हमको कि मन से, मन की शक्ति से हम इंद्रियों पर नियंत्रण करें, हमारी इंद्रियों को अपनी काबू में रखें। उसके बाद भगवान श्लोक 10 से लेकर 12 में यज्ञ की महत्व बताते हैं। देखिए वहां पे एक फोटोग्राफ है ऊपर, जहां पे काफी साधु लोग बैठे हैं और बीच में यज्ञ कुंड लगा हुआ है और यज्ञ कर रहे हैं। और यज्ञ किसी के लिए किया जाता है? यह भगवान विष्णु के लिए किया जाता है। और हमारी जो भी काम और कार्यक्रम हम करते हैं एक बलिदान के रूप में, भगवान के अर्पण के रूप में करना चाहिए। उसके बाद भगवान ये सृष्टि की शुरुआत बताते हैं। पहले तो देवता लोग और हम भी वैकुंठ में हुआ करते थे, तो वहां से भगवान ने हमको ये भौतिक जगत में भेज दिया यज्ञ करने के लिए। तो यज्ञ करो और खुश रहो इस यज्ञ से, ये आदेश था भगवान का। तो यज्ञ का जो प्रदर्शन है उससे हमको समृद्धि मिलती है, तरह तरह के खाने के चीज मिलते हैं, अनाज मिलती है, क्योंकि सब कुछ तो धरती से ही निकलती है ना। तो उसके बाद भगवान श्लोक 14 से लेकर 19 तक देवता और मनुष्य की जो ये समझौता है, दोनों के बीच में आपसी जो रिश्ता है ये बताते हैं। तो देवता क्या करते हैं, हम लोग जब यज्ञ करते हैं तो देवता लोग एक तो बारिश देते हैं, फिर हवा देते हैं, पानी देते हैं, तरह तरह के फैसिलिटी देते हैं हमको, जिससे हम इस भौतिक संसार में जी सकें। यदि आपने देवताओं की ये जो उपहार है, गिफ्ट है, वो ले लिए आपने, लेकिन उनको कुछ वापस में नहीं दिया, तो एक तरह की चोरी हो गई वो। तो ये चोरी से बचने के लिए हमको देवताओं को बार बार उपहार देना जरूरी माना जाता है, और उपहार देते रहो, इस तरह से देवता भी खुश और मनुष्य भी खुश। तो जब हम लोग भोजन बनाते हैं वो भी एक तरह का यज्ञ हुआ, तो इस यज्ञ से देवता खुश होते हैं और देवातिदेव भगवान कृष्ण भी खुश होते हैं। तो वैसे तो हम लोग भोग लगाते हैं केवल भगवान कृष्ण को, बाकी सब देवता भगवान कृष्ण के शरीर में छोटे छोटे अंग हैं। तो जैसे आप अपने पैर को खाना नहीं खिलाते हो, अपने मुंह में खाना डालते हो, जिससे वो शक्ति पूरी शरीर में चली जाती है, इसी तरह से हमको भगवान कृष्ण की स्तुति करनी चाहिए, जिससे सारे देवतागण भी खुश हो जाएंगे। जब हम लोग यज्ञ करते हैं तो भगवान कृष्ण को करते हैं, किसी और को नहीं करते हैं। जो यज्ञ के प्रदर्शन से बारिश होती है और बारिश से खाद्यान्न उत्पन्न होते हैं, अन्न उत्पन्न होता है। सो ये जो विनियमित गतिविधियां हैं, तरह तरह के गति है, तरह तरह के विधि हैं, और ये नियमित रूप से जो भी इनका कार्य आगे बढ़ाने जाता है
उससे ये सारी चीज प्राप्त होते हैं। यदि आप बलिदान नहीं करोगे तो पाप का जीवन बना रहता है, तो बलिदान यानी सैक्रिफाइस करना बहुत जरूरी हो जाता है और त्याग का बहुत जरूरी हो जाता है। आप सब चीज से प्रेम करते रहोगे और इकट्ठा करते रहोगे धन, तो वो त्याग ना होगा। उससे क्या हो जाता है कि हम लोग एक तरह की बंधन में फंस जाते हैं। यदि कोई ऐसा सन्यासी बन जाता है, वो आत्मा के अंदर ही अपनी खुशी मानता है, उसका कोई कर्तव्य नहीं, उसका तो कोई कर्तव्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सब कुछ छोड़कर केवल भगवान की स्तुति में अपने आत्म संतुष्टि में वो जी रहा है। जैसे एक श्लोक में कहा गया है, आत्माराम च मुनयो, जो आत्माराम मुनि होता है उसके लिए तो कोई कर्तव्य है नहीं, उसके लिए तो अन्य पर निर्भर यानी डिपेंडेंट होने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, तो वो खुद ब खुद खुश रहते हैं। इसके बाद भगवान अभी हमको श्लोक 20 से लेके 26 तक पढ़ाते हैं, तो वो एक उदाहरण देते हैं। 2 मिलियन साल पहले रामायण की कथा हुई थी और महाभारत हुई 5000 साल पहले। राजा जनक का उदाहरण ऐसा है कि वो अपने सारे कार्य ठीक करते थे, इतनी चेस्ट तरह से प्रदर्शन करते थे कि आम आदमी उनको देख करके बहुत खुश हो जाते थे। अपनी निर्धारित कर्तव्यों में लगे रहते थे सदैव। तो भगवान भी यही कह रहे हैं, इसी तरह मैं भी अपने निर्धारित कार्य में लगा रहता हूं। अगर मैं अपने निर्धारित कार्य छोड़ दूं तो आम आदमी भी छोड़ देगा और सारी सृष्टि की विनाश हो जाएगी। तो भगवान कृष्ण सुबह 2:30 बजे उठते थे और 4:30 बजे तक संध्या वंदन करते थे और उसके बाद अपने दैनिक कार्य करते थे। तो भगवान होते हुए भी भगवान कृष्ण अपने कार्यों को कभी नहीं छोड़ते। उसके बाद भगवान कुछ लोग बताते हैं जहां पर अहंकार का उन्होंने चर्चा किया। ये जो झूठा अहंकार है, अहंकार 2 तरह के होते हैं, एक तो सही अहंकार है, मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान की सेवा में लगा रहूंगा, और दूसरा झूठा अहंकार है जो कहती है कि भगवान से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं अपना खुद का संभाल लूंगा, सब कुछ मैं ही करता हूं, मैं ही सब कुछ करूंगा। जब हम लोग काम करते हैं तो 2 तरह के काम है, एक तो भक्ति में काम करते हैं, तो भक्त जो होता है वो भी काम करता है, वो भी ऑफिस चला जाता है, वो भी पैसा कमाता है, लेकिन उसका पूरा मन केवल भगवान के प्रति होता है। और दूसरा कार्य ऐसे होता है जिसमें फल परिणाम के लिए लोग काम करते हैं। कुछ लोग ऑफिस जाते हैं केवल पैसों के लिए, उनको ऑफिस से ना तो प्रेम है ना भगवान से प्रेम है, ये दोनों चीजों के बीच में मतभेद है। तो भगवान कह रहे हैं कि भक्ति में काम करना सीखो, केवल काम करने से कोई फायदा नहीं है। तो हमारी जो सामान्य गतिविधियां हैं इसमें काम करते चले जाओ। तो और भगवान ये भी कह रहे हैं कि मेरे लिए अपने सभी कार्य समर्पण करना। तो जो भी आप काम कर रहे हो ना, तो इसी श्लोक में इसी जगह भगवान अपना ये श्लोक का उच्चारण किया, कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा संग कलफर हेतुर्भुर। तो क्या कह रहे हैं कि कर्म करने का अधिकार तुम में है, लेकिन फल के बारे में मत सोचो, जो भी फल मिलता है वो मुझे समर्पण कर दो। कई बार भारत में लोग समझते हैं कि काम करो
ये भगवान ने कहा। लेकिन उसका दूसरा भाग ये भी तो है कि काम करो लेकिन फल की उपेक्षा मत करो, फल मिलता है तो वो मुझे दोबारा समर्पण कर दो। मान लो कि उस धन से आप मंदिर बनवा रहे हो, भगवत गीता खरीद कर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में बांट रहे हो, भोग लगाया आपने भगवान का और प्रसाद खुद भी खाया और दूसरों को बांट दिया। ऐसे करने से शरीर सभी तरह के बंधनों से हम मुक्त हो जाएंगे। अथवा ईर्ष्या और उपेक्षा में हम बर्बाद हो जाएंगे। ये ईर्ष्या भी तो बहुत भयानक चीज है। ईर्ष्या कभी हमारे हृदय में नहीं आना चाहिए और उसको रोकने के लिए हम लोगों को करना चाहिए काम केवल भगवान की खुशी के लिए, हमारी खुशी के लिए नहीं। और इस तरह से अपने स्वभाव का पालन करते चला जाना चाहिए। उसके बाद भगवान 34 श्लोक से आगे बताते हैं कि जब हम काम करते हैं तो कोई लगाम नहीं होनी चाहिए उस काम पर और ना तो घृणा होनी चाहिए। कभी कभी लोग बोलते हैं कि ये मुझे पसंद है, ये वो मुझे पसंद नहीं, तो भगवान कह रहे हैं किसी चीज पर लगाव ना होनी चाहिए और किसी चीज पर घृणा ना होनी चाहिए। किसी भी तरह की बाधाएं हमारे रास्ते में आ जाए और किसी भी ठोकरे हम खाते रहे फिर भी काम करते चले जाना चाहिए आगे। कोई भी निर्धारित जो कर्तव्य है उसका निर्वाहन हमको तो करना ही चाहिए। तो इस पश्चात अर्जुन ये पूछते हैं कि इतने ज्ञान होने के बाद भी लोग वेद पाठ करते हैं फिर भी पाप कृत्यों के प्रति कौन उकसाता है हमको, क्यों हम लोग उस दिशा में चले जाते हैं, पाप हम लोग क्यों करते हैं? तो भगवान का जवाब है कि ये जुनून की वजह है। उसको अंग्रेजी में कहते हैं मोड ऑफ पैशन। ये जुनून के साथ जब हम संपर्क करते हैं तो हमारे मन में तरह तरह के वासनाएं आ जाते हैं और इस वासनाओं के वजह से हम कार्य करने जाते हैं। लेकिन ये तो सोचिए कि हमको तरह तरह के वासनाएं हैं, ये तो जरूरी है नहीं कि सब वासनाओं की फुलफिलमेंट हो जाए। मुझे एक लंबी सी कार चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं कि हमारे पास ये कार आ जाएगी। ये तो गारंटी नहीं है कि मेरे पास इतने पैसे हो कि मैं कार खरीद लूं। जब हमारी ये वासनाओं की मतलब फुलफिलमेंट नहीं होगी तब क्रोध हो जाता है कि हमारे मन में गुस्सा उत्पन्न हो जाता है। ये वासना जो है ना ये इंद्रियों पर बैठ जाते हैं, जैसे कि हमारे कान हुए, नाक हुए, आंख हुए, जीभ हुआ या चमड़ा हुआ, और मन में बैठ जाते हैं और इतना तक कि बुद्धि में भी बैठ जाते हैं। तो ये इंद्रियों में बैठ जाते हैं, मन में बैठ जाते हैं और बुद्धि में बैठ जाते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, इन वासनाओं पर एक अंकुश डालना चाहिए, अंकुश लगाएं और इंद्रियों को विनियमित करके कंट्रोल में लाना चाहिए। जब हम ये वासना से लड़ते हैं तब ये जुनून पर भी हम काबू पा जाते हैं। तब मन की स्थिरता होती है, तो मन स्थिर बन जाता है, मन खाम बन जाता है। अंग्रेजी में जब खाम कहते हैं ना, CALM, तो वो हमारी मन की स्थिरता हो जाती है। ये है पदानुक्रम, मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। पहले है इंद्रिया, इंद्रिया सब चीजों के पीछे भागते रहते हैं, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे आईपैड चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, और इंद्रियों से ऊपर मन है। मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है और मन के उपयोग से हम इंद्रियों को काबू में लाना चाहिए। और बुद्धि जो है वो मन से भी ऊंचा है, कभी कभी मन भी भाग जाता है इंद्रियों के साथ। जैसे घोड़ा है, घोड़ा गाड़ी है, यदि आप सही ढंग से उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो घोड़े घोड़े गाड़ी को खींचकर एक
गलत दिशा में ले जाएंगे। इसी तरह मन भी कभी कभी घोड़ों के साथ, घोड़े जैसे इंद्रियों के साथ भागने लगती है। तो हमको बुद्धि को उपयोग करना चाहिए कि मन को काबू करें, मन बुद्धि को काबू में रखेगी और माफ करना, बुद्धि मन को काबू में रखेगी और मन इंद्रियों को काबू में रखेगी। इस तरह से पूरा एक संतुलन बना रहेगा बुद्धि मन और इंद्रियों की। तो इससे अध्याय 3 समाप्त होता है। तो अध्याय 3 में हम लोगों ने सीखा है कि मन क्या होती है, इंद्रियां क्या होती है और बुद्धि क्या होती है। और सारांश तो यह है कि बुद्धि का उपयोग करने से मन काबू में आएगी और मन की दृढ़ता से इंद्रियां काबू में आएंगे। इस तरह से ये हमारी शरीर का संतुलन बना रहेगा और इस तरह से हम भक्ति कर पाएंगे और भगवान के प्रति अपना मन को मोड़ पाएंगे। इसी के साथ यही समाप्त करते हैं अध्याय 3। अगले बार मिलेंगे अध्याय 4 पर। हरे कृष्णा।